हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शादाब ग्राफिक्स में। फ्रेंड्स, ई श्रम कार्ड होल्डर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ई श्रम कार्ड को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जितने भी गरीब मजदूर बेरोजगार हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें नौकरी प्रोवाइड करने का फैसला लिया गया है, और इसी तरह की बहुत सारी स्कीमें हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ। ई श्रम कार्ड होल्डर्स को गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन कुछ लोगों ने तो यही सोच लिया था कि कोविड के समय गवर्नमेंट ने जो 500 रुपए ई श्रम कार्ड होल्डर्स को दिए थे, सिर्फ उसी के लिए ई श्रम कार्ड को बनवाया था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जितनी भी योजनाएं गरीब मजदूरों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आती रहेंगी, उन सभी का बेनिफिट ई श्रम कार्ड होल्डर्स को मिलता रहेगा। अभी मैं आपको लाइव ई श्रम कार्ड के पोर्टल पर ले जाकर दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी फैसिलिटी गवर्नमेंट ई श्रम कार्ड होल्डर्स को प्रोवाइड कर रही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ई श्रम पोर्टल पर जाने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है ई श्रम होम। जैसे ही आप ई श्रम होम लिखकर सर्च करोगे तो आपके सामने ई श्रम कार्ड की यह ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको क्लिक करके डेस्कटॉप साइट में इसे कन्वर्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये है ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर आकर के आप अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है और आप अपना ई श्रम कार्ड खुद घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से बनाना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, वो भी बिना कहीं जाए अपने मोबाइल फ़ोन से ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ई श्रम कार्ड होल्डर्स के लिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलाई जा रही है, वो सभी स्कीम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर आप इस वेबसाइट को हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वेबसाइट हिंदी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं करंटली गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है ई श्रम कार्ड होल्डर्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई श्रम से जुड़े श्रमिकों के लिए खुले नौकरी के द्वार। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में चला नौकरी अभियान, यानी जितने भी गरीब मजदूर हैं जिनके पास कोई कारोबार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो वे इस योजना में अप्लाई करके किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी प्राइवेट सेक्टर में या वर्क फ्रॉम होम की जॉब ले सकते हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, यह आप देख सकते हैं। आप इस पर कॉल करके इसकी और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिनके सभी के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई श्रम कार्ड होल्डर्स को गवर्नमेंट की तरफ से 3000 रुपीज़ की मंथली पेंशन भी दी जा रही है। अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी योजनाओं को देखने के लिए आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं योजनाएं करके एक यहाँ पर टैब दिया हुआ है, उसमें यहाँ पर आपको सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से 3 लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लोज का बटन शो होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ई श्रम कार्ड होल्डर्स के लिए गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम चला रही है, वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही हैं, उन सभी के बारे में आप यहाँ पर पूरी डिटेल ले सकते हैं, जिनमें यहाँ सबसे पहले नंबर पर दी हुई है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना PMSYM। तो इसके अंदर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें आपको कुछ यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी दी हुई है और कौन कौन लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। तो इसके बारे में आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद यहाँ पर आपको 3000 रुपये की मंथली पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको NPS ट्रेडर्स की स्कीम दी हुई है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 60 साल के बाद में 3000 रुपये की मंथली पेंशन दी जाएगी। उसकी एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके बेनिफिट्स वगैरह उसके बारे में आप यहाँ पर आकर डिटेल में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है, आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बेनिफिट्स, अगर किसी वजह से खुदा ना करे आपके साथ कोई बुरा हादसा हो जाता है या फिर आपकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर आपकी फैमिली को 2 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर 330 रुपये का ईयरली प्रीमियम जमा करना होगा।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स इस योजना को बहुत सारे लोग गलत निगाह से देखते हैं। उनका मानना यह है कि जब हमारी डेथ हो जाएगी उसके बाद ये पैसा उनकी फैमिली को मिलेगा, तो फिर ऐसी स्कीम का क्या फ़ायदा। तो ऐसे लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आप अपना LIC में जीवन बीमा कराते हो तो वहाँ पर आपको डेथ होने पर 1.5 लाख या 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन जो आपकी मंथली प्रीमियम होती है वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी आपको या तो मंथली 1500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक वहाँ पर मंथली प्रीमियम पे करना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 330 रुपये ईयरली गवर्नमेंट को प्रीमियम देना होगा, जिसका बेनिफिट आपको LIC के प्रीमियम के बराबर ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम होती है वो सभी बेनिफिट के लिए होती है, बस ये है कि वो स्कीम हमें गलत लगती है क्योंकि हम उसको गलत नज़रिए से देखते हैं। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीमें चलाई जाती हैं वो सभी आपके बेनिफिट के लिए होती हैं, आपको उनमें अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो मेरा मानना तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी बेनिफिट्स आपको दिए जाएं आपको उन सभी बेनिफिट का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और भी अटल पेंशन योजना, PDS योजना और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, यानी कि अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प की जाएगी। अगर आपके पास मकान नहीं है तो आप उस पैसे से अपना मकान बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप इस योजना में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीमें हैं, उन सभी के बारे में आप डिटेल में यहां पर इस वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स ई श्रम कार्ड को लेकर गवर्नमेंट इन योजनाओं में बदलाव करती रहती है, तो आपको रेगुलरली ई श्रम कार्ड के पोर्टल पर आकर चेक करते रहना है कि करंटली कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स गवर्नमेंट की तरफ से आयुष्मान भारत की स्कीम चलाई जा रही है, जिसको लेकर गवर्नमेंट ने बेनिफिशियरी की लिस्ट इशू की है। जिन जिन लोगों का नाम उस लिस्ट में है वो अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।